सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आज इस वीडियो में, ये है 12 बोर, जिसको 12 बोर से भी जाना जाता है। और ये काफ़ी मशहूर, मैं कहूँगा काफ़ी मशहूर शूटर हैं, रोजी नाम है इनका। निशाना भी एकदम अच्छा है, जैसे हमारे यहाँ पे फायरिंग होती है ऐसी फायरिंग रेंज होती है, लेकिन वहाँ पे क्या है, आप पर्सनली भी अपनी फायरिंग रेंज बना सकते हैं अपने शूटिंग के लिए। वहाँ पे लीगलाइज्ड है, वहाँ पे वेपन लेने के लिए भी इतने डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती जितना इंडिया में डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें रोजी ने यही बता रहे हैं कि जो 12 बोर है उसके गन के शॉट में कितना पावर है। ऐसा नहीं है इसके गन शॉट में पावर नहीं है, और इस वीडियो में इन्होंने बताया है कि शॉट करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। हमें तुरंत जो ब्लैंक कार्टिज होता है उसको इजेक्ट कर देना चाहिए, जिससे कि होता क्या है कि किसी भी तरीके का जो स्मोक रह जाता है जो बैरल में, वो साथ के साथ बाहर आ जाता है। आप इंजॉय कर सकते हैं इस साउंड को, देखिए इनका निशाना कितना अचूक है। देखिए जैसे रोजी ने फायर करते ही तुरंत जो खाली कार्टेज है, जिन्हें ब्लैंक कार्टेज बोलते हैं हम, वो साथ के साथ निकाल दिया है। और आप इनका ड्रेसिंग सेंस भी देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है, जैसे पुरानी मूवीज़ में गब्बर का ड्रेसिंग सेंस रहता था। और फॉरेन में कल्चर काफ़ी आम कल्चर है, क्योंकि वहाँ के लोग इतने एग्रेसिव नहीं होते हैं। सो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरीके से किए हुए हैं कि कोई भी एक आम इंसान अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन रख सकता है। एंड रोजी देखिए, अब इसमें ये एलजी के कार्टिज डाले हैं इन्होंने, फॉरेन में क्या कहते होंगे पता नहीं, पर हमारे यहाँ इनको 12 बोर एलजी कार्टिज बोलते हैं, जिन्हें सिंगल बॉल शॉट भी बोलते हैं। और आप इनके गन का साइज़ भी देख सकते हैं, ना तो ये हॉकी साइज़ है, ना ही ये लॉन्ग बॉडी है, ये एक प्रॉपर 12 बोर शॉट गन है। और शायद इंडिया में ऐसी गन नामुमकिन ही साबित होगा। मैंने 12 बोर से अभी लॉन्ग रेंज पे शूट किया है, लेकिन कोई भी टारगेट हिट नहीं हुआ। बिकॉज़ 12 बोर में होता क्या है कि आप एम, एक छोटा टारगेट आप एम नहीं कर सकते हैं, जैसे आप राइफल में कर पाते हैं, वो इसमें कर पाते हैं। आप देखिए टारगेट को बहुत ही क्लोजली मिस हो गए दोनों राउंड। ये कुछ इनके शायद कॉइन्स हैं, बैचेस हैं शायद, कॉइन, ये कॉइन है इनके, यहाँ पे कॉइन चलते होंगे, वो कॉइन है। और आपको इसके बारे में नॉलेज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये है क्या। लेकिन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये माहौल देखते ही बनता है, ऐसा मन कर रहा है कि इस रेंज में जाओ और बस अपने वेपन को लेके जाओ और शूटिंग करना स्टार्ट कर दो। ये इनकी रिवॉल्वर है। शूटिंग रेंज में ऐसा होता है अक्सर, अब हम जाते हैं तो शूटिंग के दौरान जो इनकी रेंज होती है जंगलों में होती है, तो किसी तरीके कोई जानवर वगैरह ना आ जाए, तो उसके अपने पर्सनल सेल्फ डिफेंस के लिए अपने पास एक वेपन रखा हुआ है इन्होंने अलग से। ये तो ज़रूर लगेगा।
too. Whoa, knocked the side. लगता है रोजी जी को गुस्सा आ गया दूर के टारगेट पर तो पास के टारगेटों पे धुआं उड़ा दिया जाए। देखिए मैं इसी स्मोक की बात कर रहा था जिसमें से स्मोक निकल रहा है। ये स्मोक ज़्यादा देर तक अगर अंदर गन में रहेगा तो जो बैरल है उस पर डस्ट जमा होता है। Well, look at that. अरे वाह, इस बार तो शॉट लग गया। रोजी जी के चेहरे पे ये मुस्कुराहट बता रही है कि अब वो खुश है। लाइफ में किसी भी टारगेट को अचीव करने के बाद वैसे खुशी एक अलग ही मिलती है। Yeah, we got you. Let's try that other ramp. अरे वाह डाउन। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल राइडर मैन अभिषेक फॉर वॉचिंग दिस काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोज। आई जस्ट स्टे विथ आवर चैनल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और हम मिलते हैं इसी के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।